हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर टू, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पहला तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक कंपैरिजन है एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ दूसरी स्टैंडर्ड यूनिट की, राइट? तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि जब कभी भी फिजिक्स के लॉज सारे क्वांटिटीज़ के टर्म्स में हम लोग डिस्क्राइब करें और वहाँ पर मेजरमेंट बहुत ही आवश्यक हो जाए, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। तो पहला है यूनिट्स। सो अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। सो स्टैंडर्ड यूनिट एक ऐसा इजीली रिप्रोड्यूसिबल और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। फिर आता है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब कि जो यूनिट जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है दूसरे यूनिट्स के कंपैरिजन में, उनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। पहले तो क्वांटिटीज़ जो कि इंडिपेंडेंट है दूसरी क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग, और ऐसे यूनिट्स जो दूसरे यूनिट्स से भी इंडिपेंडेंट है उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है सात, जिसको हम लोग SI बेस क्वांटिटीज़ भी बोलेंगे, SI बेस यूनिट्स। तो लेंथ का यूनिट होगा मीटर, स्मॉल एम इज द सिंबल, मास किलोग्राम, केजी, टाइम सेकेंड, एस टेम्परेचर केल्विन, हियर इट इज कैपिटल के विल बी देयर, हियर सेकेंड स्मॉल एस विल बी देयर, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL। सो यहाँ पर उसके यूनिट्स दिए हैं और यूनिट्स के सिंबल्स भी है। फिर आता है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। सो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स दो है बेसिकली, रेडियन एंड स्टी रेडियन। तो रेडियन मीन्स इट इज़ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड स्टी रेडियन इट इज़ यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सो प्लेन एंगल रिलेटेड विद द वन डायमेंशन मीन्स इस फॉर एग्जाम्पल इट इज़ लाइक टू डायमेंशन ओनली, एक्स एंड वाई एक्सिस और वाई एंड जेड और एक्स एंड जेड। बट सॉलिड एंगल इज इन थ्री डायमेंशनल, सो इट्स यूनिट इज टी रेडियन एंड सिंबल इज SR। सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव, मतलब कि जो क्वांटिटीज हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उसके यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। जैसे कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक डिराइव यूनिट है क्योंकि वेलोसिटी की फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देन एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क एट्सेट्रा। तो ये सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। फिर आता है फंडामेंटल यूनिट्स। तो सभी के अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स है, स्टार्ट फ्रॉम किलोग्राम। तो किलोग्राम तो उसको एक बेस लिया है कि किलोग्राम ही क्यों, उतना ही कंटेंट क्यों, राइट? फिर मीटर आता है, सेकेंड केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल, राइट? तो सभी के पीछे, सभी के एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट के पीछे यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। देन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो टोटल चार सिस्टम ऑफ यूनिट है। पहला है CGS, FPS, MKS एंड SI सिस्टम। तो CGS मतलब कि ये जो भी यूनिट्स है उनको हमने पीरियडिक मैनर में लिखा है। पहला सी, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर मतलब कि लेंथ। देन जी ग्राम मीन्स दैट मास, राइट? एंड एस दैट इज सेकेंड टाइम। सो लेंथ मास एंड टाइम, लेंथ मास टाइम, सो दैट इज दी वे। FPS मतलब कि फुट, पाउंड सेकेंड, MKS मतलब कि मीटर, किलोग्राम सेकेंड, एंड SI में तो सात हमने क्वांटिटीज पढ़ी, वो सात क्वांटिटीज आएगी। एक पांचवा यूनिट सिस्टम भी है और दैट इज MKSA। तो MKSA में MKS जैसा ही है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, बट ए स्टैंड फॉर करंट मीन्स एम्पियर। सो ए स्टैंड फॉर एम्पियर विच इज दी यूनिट ऑफ करंट, राइट? फिर कुछ अलग अलग लेंथ्स हैं। तो लेंथ में पहला है माइक्रोमीटर, 10^-6 एंगस्ट्रॉम, 10^-10। मास में मेट्रिक टन, 10^3 किलोग्राम। पाउंड स्टैंड फॉर 0.4537 किलोग्राम।
फिर छोटा यूनिट है एएमयू, 1.66 इंटू 10^-23 किलोग्राम। देन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-32 मीटर क्यूब, 1 डाइन इज इक्वल टू 10^-5 न्यूटन। फिर आता है फोर्स, सो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स मीटर स्क्वायर 9.81 न्यूटन मीटर टू इनवर्स। 1 mm ऑफ एच जी, एच जी इज ऑफ मर्क्यूरी, तो 1 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू 133 न्यूटन मीटर टू इनवर्स। देन 1 पास्कल, 1 पास्कल इज 1 न्यूटन मीटर टू इनवर्स। 1 एटमोस्फियर प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 1.01 इंटू 10^5 पास्कल। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10^-7 जूल। वर्क एंड एनर्जी, तो 1 किलोग्राम फोर्स 9.81 जूल, 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10^6 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10^-19 जूल, 1 किलोग्राम फोर्स मीटर सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 9.81 वाट एंड 1 हॉर्स पावर 746 वाट। फिर आते हैं सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स में पहला है एक फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10^-15 मीटर, राइट। फिर एक्सरे यूनिट 10^-13 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में आएगा 1.49 इंटू 10^11 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10^15 मीटर। पार्सेक की वैल्यू भी फिक्स होगी, 3.08 इंटू 10^16 मीटर इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। फिर कुछ मासिस है, फिर आते हैं डायमेंशंस। तो अलग अलग डायमेंशंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे, जैसे कि एरिया मतलब कि लेंथ स्क्वायर मतलब कि मीटर स्क्वायर। फिर डेंसिटी, डेंसिटी की फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, सो मीटर लेंथ 3 इनवर्स, किलोग्राम मीटर 3 इनवर्स। तो अलग अलग यहाँ पर उसकी फॉर्मूलाज होगी, राइट। नाउ व्हाट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो अगर लेफ्ट साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशन जितने होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी प्रिंसिपल, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो डायमेंशंस के एप्लीकेशंस क्या है, डायमेंशंस की हमें क्यों ज़रूरत है? तो पहला है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, टू चेंज अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड थर्ड वन टू ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। देन सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर श्योर प्लस द नेक्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसके कुछ रूल्स है, राइट। नाउ हियर, यस, नाउ एरर इक्वेशन। सो फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर में पहले जितने भी हमारे पास वैल्यूज है उन सब की एवरेज निकालनी है, देन इंडिविजुअली सबका डिफरेंस फाइंड करना है। जैसे कि डेल्टा ए वन इज इक्वल टू AM-A1, डेल्टा ए टू इज इक्वल टू AM-A2, डेल्टा ए एम इज इक्वल टू AM-A1 हियर, राइट। फिर उसका भी हमें एवरेज फाइंड करना है, तो डेल्टा ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस अप टू डेल्टा ए एन अपॉन एन। देन रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, सो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू दैट इज रिलेटिव एरर। एंड फ्रॉम रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर से हम लोग परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ हमें इंटू 100 करना है, राइट। देन प्रोपेगेशन ऑफ एरर, सो एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी। सो यहाँ पर टू क्वांटिटीज की जो ट्रू वैल्यू है वो है ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। सो देन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दैट इज समेशन ऑफ एरर्स, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आइदर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर आता है एरर इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो दोनों में ही मैक्सिमम रिलेटिव एरर फाइंड किया जाएगा एरर को फाइंड करने के लिए। सो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस
ब्रैकेट डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. सो दीज आर दी एरर्स हियर. देन रेक्टिलिनियर मोशन, तो एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला है वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो वेक्टर आर एफ माइनस वेक्टर आर आई अपॉन डेल्टा टी. सो दैट इज एवरेज वेलोसिटी. फिर आती है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. सिंपल, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर डिस्टेंस आ गया. फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल होगा क्योंकि इंस्टेंट है. फिर आता है एवरेज एक्सेलरेशन, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. सो डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. फिर आता है इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस में आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दैट गिव्स अस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट? एंड दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. और यहाँ पर भी बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल होगा क्योंकि इंस्टेंटेनियस है. तो ग्राफ्स इन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के लिए है क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है. कर्व ऊपर की मतलब कि जो कर्व है वो तो एग्जैक्टली नीचे की तरफ है, बट एक्सेलेरेशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो. यहाँ पर जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ है, तो एक्सेलेरेशन इज लेस देन जीरो, नेगेटिव होगा. फिर वीटी ग्राफ. वीटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप फाइंड करेंगे तो एक्सेलेरेशन मिलेगा. तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. यहाँ पर इस ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि स्लोप नीचे जा रहा है. तो एक्सेलेरेशन हमें कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा. देन एटी ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. अगर एटी ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है क्योंकि वो वाई एक्सिस में पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है. और यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलेरेशन है क्योंकि वो नेगेटिव मिल रहा है नीचे ये वाला, राइट? तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलेरेशन है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हो रहा है. नाउ मिनिमा एंड मैक्सिमा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो क्योंकि वाई एक कांस्टेंट वैल्यू है एक्स के विथ रिस्पेक्ट. सो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स शुड बी लेस देन जीरो. सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो एट मिनिमा. तो ये मैक्सिमम के लिए था और ये मिनिमम के लिए. फिर तीन इक्वेशंस आती है. पहली इक्वेशन है वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड इज यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दैट इज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एंड फोर्थ इज एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन टू टाइम. नेक्स्ट इक्वेशन इज ऑल्सो एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. सो एक्स एफ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और ये जो फॉर्मूला है वो पर्टिकुलर टाइम पे, मीन्स 2 सेकेंड 3 सेकेंड पे जो डिस्टेंस कवर किया है उसकी ये फॉर्मूला है. मान लो कि 5 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना हुआ, तो यहाँ पर एन की जगह पर 5 लिख देना है, राइट? सो फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज यू इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज. सो वी इज इक्वल टू माइनस जी टी क्योंकि यू तो जीरो हो गया. एस इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा. और एच एफ माइनस एच आई इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 gs आएगा. और एंड देन लास्ट दिस इक्वेशन चेंजेस टू हियर बिकॉज यू इज जीरो एंड ए इज माइनस जी. सो एस एन इज इक्वल टू माइनस जी बाई टू टू एन माइनस 1. देन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वेक्टर्स. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो होगा टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी. हॉरिजॉन्टल रेंज होगी आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी. और मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में कितनी मैक्सिमम हाइट हो सकती है, सो वो होगी यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g. देन ट्रेजेक्टरी इक्वेशन. तो इक्वेशन मतलब प्रोजेक्टाइल में ट्रेजेक्टरी क्या होगी, तो वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर,
इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर। देन प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल कैसे होगा? सो अगर उसकी अप इंक्लाइन है तो ये फॉर्मूला होगी, डाउन इंक्लाइन के लिए ये, तो ये रेंज की फॉर्मूला है। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट में, अप इंक्लाइन में टाइम ऑफ फ्लाइट, डाउन द इंक्लाइन में ये टाइम ऑफ फ्लाइट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ इंक्लाइन प्लेन फॉर मैक्सिमम रेंज पाई बाय फोर माइनस बीटा बाय टू फॉर अप इंक्लाइन, और डाउन इंक्लाइन में वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर मैक्सिमम रेंज मिलेगी यू स्क्वेयर अपॉन जी वन प्लस साइन बीटा, और डाउन इंक्लाइन में मैक्सिमम रेंज की ये फॉर्मूला होगी, राइट। देन रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी। वेलोसिटी ऑफ सॉरी हियर नाउ एक्सीलेशन, एक्सीलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सो वेक्टर ए ए माइनस वेक्टर ए बी। रिलेटिव मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, सो वेक्टर एक्स बी ए इज इक्वल टू वेक्टर एक्स बी माइनस वेक्टर एक्स ए। नाउ क्रॉसिंग रिवर्स, सो मान लो कि अगर एक बोट एक रिवर में मूव हो रही है कि जिसकी डायरेक्शन एक रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर उसमें क्या फॉर्मूला आएगी? तो वेलोसिटी अलोंग द रिवर वी एक्स इज इक्वल टू वी आर, सो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रिवर दैट इज वी एफ इज इक्वल टू वी एम आर। सो द नेट स्पीड इज गिवन बाय हियर अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वेयर प्लस वी आर स्क्वेयर मीन्स दिस वन स्क्वेयर, राइट। सो दैट विल गिव अस नेट स्पीड वी एम। देन शॉर्टेस्ट पाथ वी एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो वेलोसिटी अलॉन्ग द रिवर, सो शॉर्टेस्ट पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रिवर वी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वेयर एम आर माइनस वी आर स्क्वेयर। सो द नेट स्पीड इज गिवन बाई वी एम इज इक्वल टू अंडर रूट वी एम आर स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर। सो हियर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रिवर डायरेक्शन वेलोसिटी वी वाई इज यूज ओनली टू क्रॉस द रिवर, सो देयर फॉर टाइम टू क्रॉस द रिवर टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी वाई। इतना टाइम लगेगा स्ट्रेट लाइन कवर करने में, और डी अपॉन अंडर रूट वी एम आर स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर। सो वेलोसिटी वी एक्स इज जीरो, देयर फॉर इन दिस केस ड्रिफ्ट शुड बी जीरो, सो वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, सो वी आर इज इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एम आर। नाउ रेन प्रॉब्लम्स, सो वेक्टर वी आर एम इज इक्वल टू वेक्टर वी आर माइनस वेक्टर वी एम, और वी आर एम इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वी एम स्क्वेयर। सो दिस इज रेन वेलोसिटी एंड दिस इज मैन वेलोसिटी, राइट। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सो फर्स्ट फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो वेक्टर एफ ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एंड वेक्टर एफ बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ एक्स इज इक्वल टू डी पी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू डी पी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए वाई, एंड एफ जेड इज इक्वल टू डी पी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए जेड, राइट। देन वेइंग मशीन, सो वेइंग मशीन डज नॉट मेजर द वेट बट मेजर्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन इट्स अपर सरफेस। तो ये जो फोर्स फाइंड करती है वेइंग मशीन, वो एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग फोर्स मतलब कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस के वेक्टर एस, जहाँ पर एक्स एक डिस्प्लेसमेंट है, राइट, एंड के दैट इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। फिर आता है स्प्रिंग प्रॉपर्टी, स्प्रिंग प्रॉपर्टी के इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो दैट इज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। फिर इफ स्प्रिंग को दो भाग में कट किया जाएगा जिसका रेशियो है एम हैज टू एन, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज गिवन बाय एल वन इज इक्वल टू एम एल अपॉन एम प्लस एन, एंड एल टू इज इक्वल टू एन एल अपॉन एम प्लस एन, सो के एल इज इक्वल टू के वन एल वन इज इक्वल टू के टू एल टू। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर स्प्रिंग को रखेंगे तो वहां पर सबके रेसिप्रोकल्स के सम करना है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर स्प्रिंग को रखेंगे तो सबका डायरेक्टली सम कर देना है। फिर आएगा स्प्रिंग बैलेंस, सो स्प्रिंग बैलेंस मतलब कि
स्प्रिंग बैलेंस वेट को मेज़र नहीं करेगा, बट वो मेज़र करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को अगेन, राइट? सो इट मेज़र्स फोर्स एग्जर्ट बाय ऑब्जेक्ट एट द हुक. तो वी पी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू बाई टू, ए पी इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू बाई टू. सो यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन मिलने वाला है, तो एक्सेलेरेशन होगा एम टू माइनस एम वन इंटू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू. और जो टेंशन क्रिएट होगा स्ट्रिंग के अंदर, सो दैट फॉर्मूला इज टू एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, राइट? तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड नीचे जा रहा है. वेज कॉन्स्टेंट, सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द कॉन्टैक्ट प्लेन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज वेरी इक्वल इफ देर इज नो डिफॉर्मेशन एंड दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. तो वी थ्री इज इक्वल टू वी वन साइन थीटा, राइट? एंड दिस इज वी वन इज इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन, वी वन साइन थीटा एंड दिस इज वी थ्री. सो कॉन्टैक्ट प्लेन एंगल इज थीटा हियर. देन न्यूटन्स लॉ फॉर अ सिस्टम, सो एफ एक्सटर्नल, तो सभी के सम्स कर देने, तो पूरे सिस्टम का यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगी, एंड दैट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम. सो एम वन एम टू एम थ्री आर दी मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम एंड दीज आर दी एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली. न्यूटन्स लॉ फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम, सो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एफ रियल प्लस एफ स्यूडो इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन. सो वॉट इज एफ स्यूडो? एफ स्यूडो इज इक्वल टू माइनस एम इंटू वैक्टर ए फ्रेम. सो ए इज एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम. सो इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ नॉन जीरो एक्सेलेरेशन, मीन्स विथ सम वेरिएबल वेलोसिटी. देन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आर ऑफ टू टाइप, काइनेटिक एंड स्टेटिक. सो काइनेटिक फ्रिक्शन मीन्स एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सर्फेसिज आर इन कॉन्टेक्ट. देन स्टेटिक फ्रिक्शन, सो टू सर्फेस वेन देर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बट नो रिलेटिव मोशन अलॉन्ग द टू कॉन्टेक्ट सर्फेसिज, राइट? फॉर्मूला इज एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन, जहाँ पर जो एफ एस है, मतलब एफ मैक्स है, वो मैक्सिमम होगा. सो जीरो लेस देन इक्वल टू एफ एस लेस देन इक्वल टू एफ मैक्सिमम. सो यहाँ पर एफ ऑफ एफर्ट है और एफ इज फ्रिक्शन, राइट? तो जब तक म्यू एस, जब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पर स्टेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो तब तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अप्लाइड फोर्स के. बट जैसे ही फोर्स लग रहा है, फिर वो क्या होगा, हो जाएगा चेंज, हो जाएगा म्यू के, हो जाएगा. तो यहाँ तक म्यू एस एन फोर्स लग रहा है और फिर म्यू के एन लगेगा. देन वर्क पावर एनर्जी, वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स डब्ल्यू इज इक्वल टू वैक्टर एफ डॉट वैक्टर एस. वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेज सिग्मा वैक्टर एफ इज इक्वल टू वैक्टर एफ वन प्लस वैक्टर एफ टू प्लस वैक्टर एफ एफ थ्री अप टू एफ एन. सो वर्क फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एस. सो दैट इज टोटल वर्क एफ वन एस एफ टू एस एफ थ्री एस अप टू इन्फिनिटी, मतलब जितने भी यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स होंगे सभी के सम्स. तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री अप टू एन. वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वैक्टर एफ डॉट वैक्टर डी एस. तो यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल फोर्स मतलब के जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होगा, उसके हिसाब से वर्क डन भी चेंज होगा. रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, तो रिलेशन के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम, जहाँ पर पी मोमेंटम है और के काइनेटिक एनर्जी है. सो पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के, सो पी इज लीनियर मोमेंटम. देन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स ऑफ डी यू एफ डी आर. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन है यू वन से लेकर यू टू तक, और यहाँ पर इंटीग्रेशन है आर वन से लेकर आर टू तक. तो यहाँ पर नेगेटिव साइन विल कम. सो यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, दैट इज नथिंग बट वर्क डन.
सो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो वर्क के फॉर्म में होगी। तो W U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R वेक्टर F डॉट वेक्टर डी आर इज इक्वल टू माइनस W। फिर कंजर्वेटिव फोर्स, तो F इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल आर, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स फॉर्मूला। वर्क एनर्जी थियरम, तो सभी का वर्क का समेशन इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब कि वर्क इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थियरम, अगेन वर्क डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। सो डब्ल्यू सी इज माइनस डेल्टा डब्ल्यू, बाय पुटिंग हियर दैट माइनस डब्ल्यू विल बी राइट हैंड साइड। सो अब हमारी नई इक्वेशन मिल गई, डब्ल्यू एन सी प्लस डब्ल्यू पी एस इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, राइट। सो डब्ल्यू एन सी प्लस डब्ल्यू पी एस इज इक्वल टू डेल्टा ई, दैट इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज दी समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर सभी का चेंज ले रहे हैं, तो चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देन पावर, तो पावर एवरेज पावर डिलीवर बाय एन एजेंट इज गिवन बाय पी बार और पी एवरेज, तो उसकी फॉर्मूला होगी वर्क डन अपॉन टाइम। तो पी इज इक्वल टू वर्क डन फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एफ वेक्टर एफ इज इंटू डी वेक्टर एस अपॉन डी टी, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। सो पावर की ये दूसरी फॉर्मूला हो गई, पी इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। देन सर्क्यूलर मोशन, सो एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मीन्स ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, मीन्स डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। फिर आता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस में डेरिवेशन आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। फिर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसमें भी अल्फा एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, सो दैट इज डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन में, तो वहां पर आएगा अल्फा डेरिवेशन फॉर्मूला। तो यहां पर ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ये अल्फा का मतलब के एंगुलर एक्सेलरेशन की दूसरी फॉर्मूला है। सो रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में वो फॉर्मूला होगी वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, सो दैट इज आर डी ओमेगा बाई डी टी, सो ओमेगा डी आर बाय डी टी, राइट। तो ये अलग अलग उसके फॉर्म्स है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। देन रेडियल और नॉर्मल और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सो वहाँ पर होगा ई आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, दैट इज ओमेगा स्क्वेयर आर। फिर टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन मीन्स सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर अगर टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वेयर प्लस ए आर स्क्वेयर। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, तो टेंजेंशियल में वेक्टर ए टी इज इक्वल टू वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर आएगा, और रेडियल एक्सेलरेशन में वेक्टर ए आर इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू डी वेक्टर ओमेगा बाय डी टी, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन ए परपेंडिकुलर। अगर मास को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो एम वी स्क्वेयर अपॉन एफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एफ परपेंडिकुलर की फॉर्मूला मिल गई, एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। सो अगर y x का फंक्शन है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ पर r की फॉर्मूला जो होगी r इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर रेस टू 3 बाई 2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रॉड ऑन कॉनकेव ब्रिज, तो कॉनकेव ब्रिज एक सर्क्यूलर ब्रिज है, तो वहाँ पर बैलेंस होगा n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, क्योंकि एन ऊपर की तरफ होगा, एंड एम जी कॉस थीटा और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा।
नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज। अब कॉन्वेक्स ब्रिज में अब देखोगे कि सेम फॉर्मूला, बट ये जो टर्म है सेंट्रीपिटल फोर्स वो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो कॉन्वेक्स ब्रिज की राइडिंग मिल जाएगी यहाँ पर, राइट। स्काइडिंग ऑफ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड, तो कौन सा सेफेस्ट स्पीड है? सो वी सेफ लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर, जहाँ पर म्यू है स्टेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। स्काइडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, तो ओमेगा मैक्स, तो वो सेफ है, एंगुलर वेलोसिटी, इतनी सेफ एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, तो अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, तो जो साइक्लिस्ट है वो कितना टर्न होना चाहिए, कितने एंगल में? सो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, अगर इतने एंगल में टर्न नहीं होगा तो वो गिर जाएगा। बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन, सो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन, वी स्क्वेयर अपॉन आर जी इज इक्वल टू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। सो जब बैंकिंग रोड होगा तब की ये फॉर्मूला होगी, राइट। देन मैक्सिमम एंड मिनिमम सेफ स्पीड ऑन अ बैंक फ्रिक्शन रोड, तो मैक्सिमम मैक्सिमम हम इतनी वेलोसिटी रख सकते हैं और मिनिमम हम इतनी वेलोसिटी रख पाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज स्यूडो फोर्स, तो एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर आर एक्ट्स आउटवर्ड व्हेन द पार्टिकल इटसेल्फ इज टेकन एज अ फ्रेम। इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन अपेरेंट वेट, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, वेयर थीटा इज लेटिट्यूड एट अ प्लेस। फिर आता है वेरियस क्वांटिटीज फॉर अ क्रिटिकल कंडीशन इन वर्टिकल लूप एट अ डिफरेंट पोजिशन, तो अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग वी मिनिमम्स होंगे, राइट। तो पहला है डाउनवर्ड पोजीशन पे, तो वी मिनिमम अंडर रूट 4GL। फिर आता है यहाँ पर वी मिनिमम अंडर रूट 4GL अगेन। सो फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, दिस इज फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 4GL। कॉनिकल पेंडुलम, सो कॉनिकल पेंडुलम में यहाँ पर एक तो टेंशन्स क्रिएट होगा, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, राइट, अपवर्ड डाउनवर्ड बोथ आर सेम। टी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वेयर आर। सो टाइम पीरियड फॉर दिस पर्टिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज टू पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। देन रिलेशन अमॉन्ग एंगुलर वेरिएबल्स, सो ओमेगा जीरो इट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, सो एंगुलर वेलोसिटी। देन ओमेगा, अल्फा इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलेशन दैट इज अल्फा, एंड थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एंगुलर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देन सेंटर ऑफ मास, सो मास मोमेंट वेक्टर एम इज इक्वल टू एम वेक्टर आर, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम एंड डिस्क्रीट पार्टिकल्स। तो सेंटर ऑफ मास की ये फॉर्मूला है, राइट। एम वन मतलब मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, आर वन मतलब कि दैट पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास पॉइंट। सो इसको हम लोग अगर सम अप करें तो सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई वैक्टर आर आई अपॉन सिग्मा एम आई आई इज इक्वल टू वन टू एन, सो वेक्टर आर सी एम इज इक्वल टू वन अपॉन एम सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई वैक्टर आर आई। फिर कंटिन्यूस अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो तीनों डायमेंशंस में हमें सेंटर ऑफ मास मिलेंगे, एक्स सी एम वाई सी एम एंड जेड सी एम, राइट। सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉमन सिस्टम, सो अगर कॉमन सिस्टम है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू आएगा, तो वहाँ पर M2L अपॉन M1 प्लस M, M1L अपॉन M1 प्लस M, दी सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू दी हैवियर मास, राइट। फिर रेक्टेंगुलर प्लेट, तो रेक्टेंगुलर प्लेट में बाय सिमेट्री जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बीच में होगा, तो यहाँ पर एज अ सिमेट्री इतना x डिस्टेंस में सेंटर ऑफ मास है, इतना y डिस्टेंस में सेंटर ऑफ मास है, तो xc इज इक्वल टू b बाई टू एंड वाई सी इज इक्वल टू एल बाई टू, सिंपल। ट्राइंगुलर प्लेट, सो ट्राइंगुलर में सेंटर ऑफ मास
सो एट सेंट्रोइड वाई सी इज इक्वल टू एच बाई थ्री। अ सेमी सर्कुलर रिंग, तो वहाँ पर सेमी सर्कुलर रिंग में वाई सी इज इक्वल टू 2r बाई पाई, एक्स सी इज इक्वल टू 0। अ सेमी सर्कुलर डिस्क, तो वाई सी इज इक्वल टू आएगा 4r बाई 3 पाई, एक्स सी इज इक्वल टू 0। हेमिस्फेरिकल शेल, तो वाई सी इज इक्वल टू आर बाई टू, एक्स सी इज इक्वल टू 0। देन सॉलिड हेमिस्फीयर, तो सॉलिड हेमिस्फीयर वाई सी इज इक्वल टू 3r बाई 8, एक्स सी इज इक्वल टू 0। अ सर्क्यूलर कॉन सॉलिड वाई सी इज इक्वल टू एच बाई 4, राइट। अ सर्क्यूलर कॉन हॉलो वाई सी इज इक्वल टू एच बाई 3। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी सी एम इज इक्वल टू एम वन डी आर वन बाई डी टी, डी आर वन बाई डी टी इज वेलोसिटी, एम टू डी आर टू बाई डी टी अप टू एन, तो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री अप टू एम एन वी एन अपॉन कैपिटल एम, दैट इज मास ऑफ द सिस्टम। सो वेक्टर पी सिस्टम इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू वैक्टर वी सेंटर ऑफ मास। फिर बोथ दी साइड्स, यहाँ पर इस इक्वेशन में दोनों साइड पे अगर अगेन डेरिवेशन ले तो ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर डी वी वन बाई डी टी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें मिली एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू अप टू एन तक, और नीचे पूरा मास का सिस्टम। सो नेट फोर्स ऑन सिस्टम अपॉन एम, राइट। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स प्लस नेट इंटरनल फोर्स अपॉन कैपिटल एम। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन कैपिटल एम, सो दैट इज वेक्टर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम वेक्टर ए सी एम, बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट विल बी जीरो। सो इंटरनली कोई फोर्स नहीं मिलेगा, वो जीरो होगा, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स बचेगा। देन इम्पल्स, तो इम्पल्स ऑफ फोर्स एफ एक्शन ऑन अ बॉडी इज डिफाइन एज वेक्टर जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी वन टी आई टू टी एफ एफ डी टी। सो वेक्टर जे इज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर पी, सो दैट इज इम्पल्स, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सो ई इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। सो इंटीग्रेशन एफ आर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन एफ डी डी टी, सो दैट इज एस इंटू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सो ई इज इक्वल टू वन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, काइनेटिक एनर्जी मे बी कंजर्व इलास्टिक कॉलिजन, सो दैट इज फॉर ई इज इक्वल टू वन। ई इज इक्वल टू जीरो नाउ, सो ई इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। Then 0 less than E less than 1, impulse of reformation less than impulse of deformation, velocity of separation less than velocity of approach, kinetic energy is not conserved and inelastic collision. Then variable mass system, so if a mass is added or ejected from a system at a rate mu kilogram per second and relative velocity vector V relative, so the force exerted by this mass on the system has magnitude mu mod of vector v relative. Thrust force, so thrust force is vector ft is equal to vector v relative dm by dt. Rocket propulsion, so if gravity is ignored and initial velocity of the rocket u is equal to 0, so v is equal to vr log mo upon m. Then rigid body dynamics, so if the above body is rigid, so Va cos theta 1 is equal to Vb cos theta 2, right? Because Va cos theta 1, so that is in this direction, and Vb cos theta 2, same direction, right? So Vba, relative velocity of B with respect to point A, right? Now type of motion of rigid body. So teen motion hai, pehla pure translation motion, सेकेंड प्योर रोटेशनल मोशन एंड थर्ड कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला कुछ नहीं, आई इज इक्वल टू एम आर वन स्क्वेयर प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर। सो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, दैट इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वेयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल,
So that is I is equal to mr square mass of particle and r perpendicular distance of the particle from the axis about which moment of inertia is to be calculated. For many particles I is equal to sigma I is equal to 1 to n mi ri square. For a continuous object to uske according I is equal to integration dm into r square. Dm is mass of small element and r perpendicular distance of the particle from the axis. अगर ऑब्जेक्ट लार्ज है तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई एलिमेंट. सो डी आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट. फिर आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम. तो अगर जेड एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सम, राइट. देन पैरेलल एक्सिस थियरम. तो आई ए बी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर. फिर अब आ रही आती है अलग अलग शेप्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, होलो स्फीयर है तो 2/3 एम आर स्क्वायर, देन अगर रिंग है तो एम आर स्क्वायर, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाय 2, होलो सिलेंडर एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर एम आर स्क्वायर बाय 2, देन अगर रॉड है और उसको एक एंड की एक्सिस से एंड को ओरिजिन बनाया है तो एम एल स्क्वायर बाय 3. फिर अगर मिड पॉइंट से ओरिजिन है तो एम एल स्क्वायर बाई 12. फिर अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर सिचुएटेड है और यहाँ से उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जाए तो 2 ml² / 3. फिर एक स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लेट का आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12. देन स्क्वायर प्लेट बट उसकी जो एक्सिस है वो मिड पॉइंट से फॉर्म हो रही है तो एम एल स्क्वायर बाई 6. फिर रेक्टेंगुलर प्लेट तो आई इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, राइट. फिर आता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में आएगा एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12. रेडियस ऑफ गायरेशन, सो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला है. टॉर्क, तो टॉर्क की फॉर्मूला है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ. सो रिलेशन बिटवीन टाउ एंड अल्फा, सो दैट इज टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू आई, that is moment of inertia into alpha. So tau external is net external torque acting on a body about hinge point. So I hinge, moment of inertia of body about hinge point. So यहाँ पर इस figure के हिसाब से जो force होगा, so force 1t is equal to m1 a1t is equal to m1 r1 alpha, f2t is equal to m2 a2 2t m2 r2 alpha. So resultant torque will be f1t r1 plus f2t r2 plus up to n. So m1 alpha r1 square plus m2 alpha r2 square up to n. So tau resultant external is equal to I alpha. So that is the formula in the form of moment of inertia. Rotational kinetic energy is equal to half I omega square. So vector p is equal to m vector vcm, right. So that is momentum formula. So f external is equal to m vector a center of mass. So net external force acting on the body has two parts, tangential and centripetal. So fc is equal to mac is equal to m v square upon rcm. So that formula is m omega square rcm. So ft is equal to mat is equal to m alpha RCM, right. So this is for translation force and this is for centripetal force. So this is tangential, not translation, tangential, and this is for centripetal force. Then rotational equilibrium. So x axis ka equilibrium matlab sigma fx is equal to 0, y mein sigma fy is equal to 0, z mein sigma fz is equal to 0. Angular momentum. So vector L is equal to vector R cross vector P according to figure. So what is R? R is perpendicular distance, and also we can take perpendicular of momentum. So both are right. So overall L formula is RP sine theta. Angular momentum of a rigid body rotating about fixed axis. So vector LH is equal to IH vector omega. Jahan par LH hai angular momentum of object about axis H. IH moment of inertia of rigid body object about axis H and omega angular velocity of the object. Conservation of angular momentum. तो conservation में
टाउ एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा, तो उस तब जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसी को बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, सो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू डी वेक्टर एल अपॉन डी टी। सो टॉर्क इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, सिंपल। इम्पल्स ऑफ टॉर्क, तो इम्पल्स ऑफ टॉर्क में इंटीग्रेशन टाउ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा जे, एंड डेल्टा जे इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सो फॉर अ रिजिड बॉडी द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग इट्स मोशन, सो आर पी बाई क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो फॉर वेलोसिटी नाउ रिजल्टेंट इज वी पी इज इक्वल टू अंडर रूट वी क्यू स्क्वेयर प्लस ओमेगा आर होल स्क्वेयर प्लस टू वी क्यू ओमेगा आर कॉस थीटा। फॉर एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, राइट, तो थीटा ओमेगा अल्फा आर सेम अबाउट एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी और एनी अदर पॉइंट आउटसाइड विच इज रिजिडली अटैच टू द बॉडी। फिर आता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में टाउ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इंटू वैक्टर अल्फा इज इक्वल टू, सो हियर न्यू फॉर्मूला, वैक्टर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम वैक्टर ए सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वैक्टर वी सी एम। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी एक तो ट्रांसलेशन की वजह से और रोटेशन की वजह से। सो एंगुलर मोमेंटम एक्सिस ए बी इज इक्वल टू वैक्टर एल अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस वैक्टर एल ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ए बी। सो वैक्टर एल ए बी इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास वैक्टर ओमेगा प्लस वैक्टर आर सेंटर ऑफ मास क्रॉस एम वैक्टर वी सेंटर ऑफ मास। सो दैट इज दी फॉर्मूला हियर, राइट। सो नाउ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, तो दैट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एफ मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मासिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इफ वी रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइंस, सो देर विल बी कॉन्स्टेंट हियर जी। सो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेयर। जी एक कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड होगी, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में उसकी फॉर्मूला होगी वेक्टर एफ वन बाय वन टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेयर आर वन टू हैट। एफ टू वन सेम फॉर्मूला, बट यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, आर टू वन हैट आ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो आर वन टू इज इक्वल टू माइनस आर टू वन हैट लिख सकते हैं, राइट। सो दैट्स वाई दिस इज दी फॉर्मूला हियर। हियर नेगेटिव साइन कम, सो दैट्स वाई हियर आर वन टू हैट इट इज रिटर्न। सो बाई कंपेरिजन वी कैन ऑल्सो राइट एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने वाला है। फिर आता है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ई इज इक्वल टू एफ बाई एम मीन्स जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल फार्मूला वी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला होगी, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की फार्मूला होगी ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। फिर रिंग के अकॉर्डिंग पोटेंशियल की फार्मूला, सो वी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन एक्स और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू वन बाई टू। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की फार्मूला माइनस जी एम आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू थ्री बाई टू आर हैट। सो ई की फॉर्मूला होगी जी एम कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज इन नेगेटिव। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट अ डिस्टेंस दैट इज आर प्लस और माइनस ए अपॉन रूट टू, सो दैट फॉर्मूला विल बी माइनस टू जी एम अपॉन थ्री रूट थ्री ए स्क्वायर। थिन सर्कुलर डिस्क, तो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा माइनस टू जी एम अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू वन बाई टू माइनस आर। और ग्रेविटेशनल फील्ड की फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू माइनस टू जी एम अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट वन माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू वन बाई टू। सो फॉर्मूला बनेगी माइनस टू जी एम अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा। देन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सो पॉइंट पी इन साइड द स्फीयर, अंदर के पॉइंट पर मिलने वाला यहाँ पर पोटेंशियल, तो वी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन टू ए क्यूब थ्री ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फील्ड की फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू माइनस जी एम आर अपॉन ए क्यूब।
देन सेंटर पे मिलने वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सो वी इज इक्वल टू हियर -3 gm अपॉन 2a, और सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो मिलेगा। स्फीयर के आउटसाइड मिलने वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी इज इक्वल टू -gm अपॉन आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस स्फीयर -gm अपॉन आर स्क्वेयर। फिर स्फेरिकल शेल या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो इनसाइड शेल के अंदर मिलने वाला पोटेंशियल वी इज इक्वल टू -gm अपॉन ए, ई तो जीरो हो जाएगा। आउटसाइड मिलने वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी इज इक्वल टू -gm अपॉन आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इज इक्वल टू -gm अपॉन आर स्क्वेयर। फिर आता है वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड जी एच इज इक्वल टू gme अपॉन re प्लस एच होल स्क्वेयर। उसका डेरिवेशन जी इंटू दी ब्रैकेट 1 + h अपॉन re रेस टू -2, सो फॉर्मूला हो जाएगी जी इंटू 1 - 2h अपॉन re, जहाँ पर h बहुत ही कम होगा r की कंपेरिजन में। फिर आता है डेप्थ में, डेप्थ में कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिलेगा, तो जी डी इज इक्वल टू जी 1 - d अपॉन आर ई। इफेक्ट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, तो इफेक्ट ऑफ सरफेस कितना होगा, तो इक्वेटोरियल रेडियस इज 21 मीटर लॉन्गर देन पोलर रेडियस, तो जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसीलिए जी पोल पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा जी इक्वेटर की कंपेरिजन में। सेटेलाइट वेलोसिटी, तो सेटेलाइट वेलोसिटी की फॉर्मूला वी ओ इज इक्वल टू ब्रैकेट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच रेस टू 1/2। सो अनदर टर्म अनदर फॉर्म इज जी आर ई स्क्वेयर अपॉन आर ई प्लस एच होल रेस टू 1/2। अगर एच मच लेस देन आर ई है तो वी ओ इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई, सो वी ओ की फॉर्मूला मिलेगी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। देन टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट, तो टाइम पीरियड होगा 2π RE + h अपॉन ब्रैकेट GRE² अपॉन RE + h होल रेस टू 1/2। सो 2π RE इंटू दी ब्रैकेट RE + h होल क्यूब अपॉन जी रेस टू 1/2। एनर्जी ऑफ अ सेटेलाइट, तो एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, यू इज इक्वल टू -gmem अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी होगी gmem अपॉन 2r, तो टोटल एनर्जी मिलेगी -gmem अपॉन 2r। फिर आता है कैपलर्स लॉ, तो पहला लॉ है लॉ ऑफ एरिया, तो एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया स्वेप्ट अपॉन टाइम, तो एरिया स्वेप्ट होगा 1/2 r × r d थीटा अपॉन dt, सो 7/2 r² d थीटा बाई dt दैट इज कॉन्स्टेंट, सो 1/2 r² ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, एंड लॉ ऑफ पीरियड्स दैट इज t² / r³ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पर t है टाइम पीरियड एंड r इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। देन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो फ्लूइड्स सरफेस टेंशन विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी, सो हियर हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर मीन्स p इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू e अपॉन ए इंटू एफ, राइट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया, सो बोथ कंपेयर्ड एंड दैट्स वाई एफ सब्जेक्ट। हाइड्रोलिक पैराडॉक्स दैट मीन्स PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC एट एनी हाइट, मीन्स एट द सेम लेवल प्रेशर विल बी द सेम। लिक्विड प्लेस्ड इन एलिवेटर, सो वेन एलिवेटर एक्सेलेट्स अपवर्ड विथ एक्सेलेशन ए जीरो, देन प्रेशर इन फ्लूइड एट डेप्थ एच मे बी गिवन बाय P इज इक्वल टू रो जी रो एच इंटू जी प्लस ए जीरो, सो ए जीरो इज अपवर्ड एक्सेलेशन। फोर्स ऑफ बायोएंसी बी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए जीरो, सो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल एक्सेलेशन, सो टेन थीटा इज इक्वल टू ए जीरो अपॉन जी, राइट, सो ए जीरो अपॉन जी। नाउ प्रेशर डिफरेंस P1 - P2 इज इक्वल टू रो एल ए जीरो, सो वेर P1 and P2 आर प्रेशर्स एट पॉइंट्स 1 and 2, सो H1 - H2 इज इक्वल टू एल ए ओ अपॉन जी। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन केस ऑफ रोटेटिंग और सिलेंडर, सो एच इज इक्वल टू V² / 2g एंड वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, सो ω² r² / 2g। देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, AV इज कॉन्स्टेंट,
देन बर्नुलिस थियरम पी अपॉन रो प्लस 1/2 वी स्क्वेयर प्लस जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. देन टॉरिसेलिस थियरम, तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स दैट इज वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एच अपॉन 1 माइनस ए टू स्क्वेयर अपॉन ए वन स्क्वेयर. सो ए टू इज इक्वल टू एरिया ऑफ होल, ए वन इज एरिया ऑफ वेसल. देन इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द बॉडी दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेन, चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन. सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर्मूला इज डेल्टा एल अपॉन एल, राइट. वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी. शियर स्ट्रेन एक्स अपॉन एल दैट इज 10 फाइव. यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई इज इक्वल टू एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल. सो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. सो 1/2 वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वेयर. इंटर एटोमिक फोर्स कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू वाई आर जीरो. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एफ प्रोपोर्शनल टू ए डी वी बाई डी एक्स और एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स. देन स्टॉक्स लॉ, रेजिस्टिव फोर्स फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूला होगी 2/9 आर स्क्वेयर रो माइनस जी इंटू जी अपॉन ईटा. फिर आता है सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन मीन्स टोटल फोर्स ऑन आइदर ऑफ द इमेजिनरी लाइन एफ अपॉन लेंथ ऑफ द लाइन. सो टी इज इक्वल टू एस एंड दैट इज डेल्टा डब्ल्यू अपॉन ए. सो द सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज सरफेस एरिया. सो इनसाइड बबल पी माइनस पी ए इज इक्वल टू 40 अपॉन आर पी एक्सेस. इनसाइड द ड्रॉप पी माइनस पी ए 2 टी अपॉन आर पी एक्सेस. इनसाइड एयर बबल इन अ लिक्विड, सो पी माइनस पी ए इज इक्वल टू 2 टी अपॉन आर पी एक्सेस. एंड कैपिलरी राइज फॉर्मूला एच इज इक्वल टू 2 टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी. हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स, सो टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हाफ एम वी स्क्वेयर, सो दैट इज 3/2 पी वी इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी. सो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 पी अपॉन रो. सो वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पी अपॉन रो इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आर टी अपॉन एम मोल इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 के टी अपॉन एम. सो नाउ माइनस वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. सो वी बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 के टी अपॉन पाई एम. सो दैट वैल्यू इज 1.59 अंडर रूट के टी अपॉन एम. सो वी आर एम एस इज इक्वल टू 1.73 अंडर रूट के टी अपॉन एम. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वी पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 के टी अपॉन एम. सो दैट इज 1.41 अंडर रूट के टी अपॉन एम. सो वी आर एम एस इज ग्रेटर देन एवरेज वी ग्रेटर देन वी एम पी. देन डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो मोनो एटॉमिक दैट इज 3, फॉर डायटोमिक दैट इज 5 एंड पोली एटॉमिक दैट इज 6. मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज हाफ फ्रीडम इंटू के टी. फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर टी. वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई. देन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0. वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू एन एफ बाय 2 आर डेल्टा टी इज इक्वल टू हीट गिवन. देन आइसोबैरिक प्रोसेस, सो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी एफ माइनस टी आई. चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. हीट गिवन दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. फिर आती है स्पेसिफिक हीट, सी वी इज इक्वल टू एफ आर बाय 2 सी पी एफ बाय 2 प्लस 1 इन टू आर. फॉर मोनो एटोमिक गैस सी पी अपॉन सी वी इज 1.67, फॉर डायटोमिक 1.4, फॉर ट्राइटोमिक 1.33. सो इन जनरल गैमा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी 1 प्लस 2 बाई एफ. सो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर फॉर आइडियल गैस. एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी आई माइनस टी एफ अपॉन गैमा माइनस 1. साइक्लिक प्रोसेस के लिए
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू. सो इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज मॉल वेट इज इक्वल टू एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू अपॉन एन वन प्लस एन टू. सो वॉट इज एम वन? सी वी वन. दिस इज सी वी टू. बाकी एज इट इज. सो सी पी मिक्स अपॉन सी वी मिक्स इज इक्वल टू एन वन सी पी वन प्लस एन टू सी पी टू अप टू एन अपॉन एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू अप टू एन. देन हीट एंजिन्स. सो एफिशियंसी ऑफ हीट एंजिन्स गिवन बाय वर्क डन बाय द एंजिन अपॉन हीट सप्लाइड टू इट. सो डब्ल्यू अपॉन क्यू एच हीट सप्लाइड. सो क्यू एच माइनस क्यू एल दैट इज डब्ल्यू अपॉन क्यू एच. सो वी कैन राइट दैट वन माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच. देन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स केल्विन प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. सो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एंजिन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम रिजर्वॉयर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क. देन रुडोल्फ क्लॉसिस स्टेटमेंट. इट इज इम्पॉसिबल टू मेक हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क ऑन वर्किंग सब्सटेंस. देन एंट्रोपी. सो एंट्रोपी means change in entropy of the system, that is delta S is equal to delta Q by T. So SF minus SI integration I to F delta Q by T. In an adiabatic reversible process, entropy of the system remains constant, right? So efficiency of Carnot engine, operation 1, isothermal expansion, phir adiabatic expansion, then isothermal compression and then adiabatic compression. फिर आते हैं थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन. सो वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू वी थ्री अपॉन वी फोर. दैट मीन्स क्यू टू अपॉन क्यू वन इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन. सो एफिशिएंसी फॉर्मूला होगी ईटा इज इक्वल टू वन माइनस टी टू अपॉन टी वन. देन रेफ्रिजरेटर हीट पंप. सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर बीटा इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन डब्ल्यू. सो वन अपॉन टी वन माइनस टी टू माइनस वन is equal to here same formula, right? So calorimetry and thermal expansion types of thermometers. So first liquid thermometers, T is equal to L minus L0 upon L100 minus L0, that is into 100. Then gas thermometer, so constant volume. So T is equal to P minus PO upon P100 minus PO into 100. So P is equal to PO plus rho GH. Constant pressure, so T is equal to V upon V minus VO into TO. So electrical resistance thermometer, that is formula T is equal to RT minus RO upon R100 minus RO into 100. Thermal expansion, so linear, so alpha is equal to delta L upon LO delta T. So that means L is equal to LO 1 plus alpha delta T. Area superficial, so beta is equal to delta A upon AO delta T, or A is equal to AO 1 plus beta delta T. Volume or cubical, so R is equal to delta V upon VO delta T, or V is equal to VO 1 plus gamma delta T. So alpha is equal to beta by 2 is equal to gamma by 3. Then thermal stress of a material, so F by A is equal to Y delta L by A L. Energy stored per unit volume, so E is equal to half K delta L square. So that formula ahead, E is equal to 1 by 2 AY upon L delta L square. Variation of time period of pendulum clocks, so delta T is equal to 1 by 2 alpha delta theta into T. If T dash less than T, clock fast, time gain. T dash greater than T, clock slow, time loss. Then calorimetry. So specific heat S is equal to Q upon M delta T. Molar specific heat C is equal to delta Q upon N delta T. Water equivalent MW SW. Then heat transfer. So first is thermal conduction. So dQ by dT is equal to minus K dT by dx. Thermal resistance R is equal to L by KA. Series and parallel combination of rod. Series L equivalent upon K equivalent is equal to L1 upon K1 plus L2 upon K2 up to so on.
फॉर पैरेलल के इक्विवेलेंट इनटू ए इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के वन ए वन प्लस के टू ए टू अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर एरिया सेम है, यहाँ पर लेंथ सेम है। फॉर एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन आर प्लस टी प्लस ए इज इक्वल टू वन। एम इज यू पावर, ई इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए डेल्टा टी। स्पेक्ट्रल एम इज यू पावर, ई लैम्डा इज इक्वल टू डी बाय डी टी। देन एम इज वी टी, ई इज इक्वल टू ई ऑफ अ बॉडी एट टी टेम्परेचर अपॉन ई ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी। किर्चॉफ्स लॉ, सो किर्चॉफ्स लॉ इज ई बॉडी अपॉन ए बॉडी, राइट। E इज इक्वल टू ई ब्लैक बॉडी। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, लेमडा एम टी इज इक्वल टू बी, सो बी इज कॉन्स्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, सो दैट इज यू इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4, एस इज कॉन्स्टेंट। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू माइनस यू जीरो इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी रेज टू 4 माइनस टी जीरो रेज टू 4। एंड देन लास्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा जीरो। सो थीटा सब्जेक्ट, थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो प्लस थीटा आई माइनस थीटा जीरो ई रेज टू माइनस के टी। नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव इज फेज ऑफ द मोशन एंड फाइव इज इनिशियल फेज ऑफ द मोशन। देन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी, सो दैट इज टू पाई एफ। सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा, सो दैट फॉर्मूला इज टू पाई अंडर रूट ओमेगा एम अपॉन के। देन स्पीड, सो स्पीड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय टू के ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, सो दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। देन स्प्रिंग मास सिस्टम, सो स्प्रिंग मास सिस्टम टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के, राइट। सो टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के एंड म्यू इज एम वन इंटू एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, सो सीरीज कॉम्बिनेशन वन अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू। पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के वन प्लस के टू। सिंपल पेंडुलम फॉर्मूला टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव इज नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू स्यूडो फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। देन कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम, सो टाइम पीरियड फॉर्मूला टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल, वेर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू आई सी एम सेंटर ऑफ मास प्लस एम एल स्क्वायर, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। देन टॉर्जिनल पेंडुलम पीरियडिक टाइम, सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट आई अपॉन सी, सी इज कॉल्ड टॉर्जिनल कॉन्स्टेंट। Now superposition of simple harmonic motions along the same direction, x1 is equal to a1 sin omega t, x2 is equal to a2 sin omega t plus theta. So resultant, that is a is equal to a, x is equal to a sin omega t plus phi, where a is under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos theta and tan phi is equal to a2 sin theta upon a1 plus a2 cos theta. Then dam oscillation, damping force. So vector F is equal to minus B vector V. Equation of motion that equal to M dV by dt is equal to minus Kx minus BV. B square minus 4MK greater than 0 over damping. B square minus 4MK is equal to 0 critical damping. B square minus 4MK less than 0 under damping. For small damping, the solution is of the form x is equal to a0 e raised to minus bt upon 2m sin omega dash t plus delta, so where omega dash is equal to under root of k upon m minus b upon 2m whole square. So angular frequency omega dash is under root k upon m1 is omega 0.
एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू ए जीरो ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन टू एम, एनर्जी हाफ के एस स्क्वेयर ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन एम, क्वालिटी फैक्टर ओवर क्यू वैल्यू क्यू इज इक्वल टू टू पाई ई अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा ई ओमेगा डैश अपॉन टू ओमेगा वाई, दैट इज क्वालिटी फैक्टर, एंड ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वेयर अपॉन फोर एम स्क्वेयर, ओमेगा वाई इज बी अपॉन टू एम. Then forced oscillations and resonance. So external force f of t is equal to f o cos omega dt. X of t is equal to a cos omega dt plus phi. So where a is equal to f o upon under root m square bracket omega square minus omega d square whole square plus omega d square b square and tan theta is equal to minus v o upon omega d x o. For small damping a is equal to f o अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन ओमेगा डी बी. देन स्ट्रिंग वेव्स, सो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर, सो वाई एक्स टी इज इक्वल टू एफ ओ ऑफ टी प्लस और माइनस एक्स बाई वी. सो वाई एक्स टी शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर, सो एफ ऑफ टी प्लस एक्स अपॉन वी represent wave traveling in negative x axis and f of t minus x by v represent wave traveling in positive x axis. So y is equal to a sin omega t plus or minus kx plus phi. Then terms related to wave motion, first is wave number. So k is equal to 2 pi upon lambda, that is omega upon v radian meter inverse. Then phase of wave, so that function phase difference is equal to 2 pi upon lambda path difference. So delta phi is equal to 2 pi upon t delta t. Then speed of transverse wave along straight wire v is equal to under root t upon mu, t is tension, mu mass per unit length. Power transmitted along the string by a sine wave, average power p is equal to 2 pi square f square a square mu into v. Intensity I is equal to average power upon s. So 2 pi square f square a square rho into v. Then reflection and refraction of waves. So yi is equal to ai sin omega t minus k1x. Yt is equal to at sin omega t minus k2x. Yr is equal to minus a r sin omega t plus k1x. Right. Now from denser to rarer medium. Yt is equal to at sin omega t minus k2x, yr is equal to ar sin omega t plus k1x, amplitude of reflected and transmitted waves, so ar is equal to mod of k1 minus k2 upon k1 plus k2 into ai, and ai is equal to at is equal to 2k1 upon k1 plus k2 into ai. Standing and stationary waves, so y1 is equal to a sin omega t minus kx plus theta 1, y2 is equal to a sin omega t plus kx plus theta 2. So y1 plus y2 sin plus sin means 2 cos sin, right? So 2a cos kx plus theta 2 minus theta 1 by 2 represent resultant amplitude at the x at some position, resultant amplitude is 0. These are called nodes. At some position, amplitude is 2a, these are called antinodes. Distance between successive nodes or antinodes is lambda by 2. Distance between successive nodes and antinodes, lambda by 4, right? All the particles in same segment vibrate in same phase. The particles in two consecutive segments vibrate in opposite phase. Since nodes are permanently at rest, so energy cannot be transmitted across this. Vibration of strings, so fixed at both the ends, fixed ends will be nodes, so waves for which L is equal to lambda by 2, so are possible N is L is equal to N lambda by 2, L is equal to 2 lambda by 2, so that is lambda is equal to third for third one 3 lambda by 2, so here lambda subject, so 2L by N will be there, N are integers, velocity of this wave of string V is equal to under root 2 under root t upon mu, so frequency of the string fn is equal to n upon 2l under root t upon mu, and n is the number of loops.
string free at one end. So for fundamental mod, L is equal to lambda by 4. So lambda is equal to 4L, right? First overtone, L is equal to 3 lambda by 4. So lambda subject is equal to 4L by 3. Then F1 is equal to here 3 upon 4L under root T upon mu. Second overtone, F2 is equal to 5 upon 4L under root T upon mu. So Fn is equal to